बागेश्वर जनपद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गरुड़ के द्वारा विश्वासघात दिवस मनाया गया। इस दौरान ऐतिहासिक गांधी चबूतरे में पुतला फूंका गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर 4 साल के शासन में महंगाई, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, किसान आत्महत्या, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर देश की जनता के साथ किए गए वादों को पूरा न कर पाने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार ने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। इनके जन विरोधी निर्णय जैसे कि नोटबंदी, GST, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के कारण सामान्य जनता बुरी तरह से त्रस्त है। केंद्र सरकार की इन विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में विश्वासघात दिवस मनाया गया और केंद्र सरकार के पुतले को फूंका गया। महंगाई कम करने का सवाल हो, तेल की कीमतों को नियंत्रित करने का सवाल हो या व्यापार घाटा कम करने का सवाल हो, उन तमाम सवालों पर, उन सभी सवालों पर इस यह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। और कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकार की विफलता को लोगों के बीच में ले जाए और लोगों के जो सवाल हैं उनको सड़कों पर उठाए। उसी के लिए हमने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। विश्वासघात दिवस के रूप में आज सारे कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, छल कपट किया और धोखा दिया, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के मुकाबला करते हुए जनता में संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को में शासन चलाना चाहती है और जनता की भावना के अनुरूप कार्य करती है। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।